हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMK टी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो कम्प्लीटली रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर है। बहुत सारे लोगों ने कल मुझे रिक्वेस्ट किया था, सर रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर न्यूज़ आई है, उसको कवर कीजिए। सो डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता है कि सैटरडे संडे मार्केट क्लोज होता है, तो आराम से उस न्यूज़ को पढ़ेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सारी चीज़ें देखेंगे। एंड स्टॉक से क्या हम लोगों ने एग्जिट लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो आपके डाउट्स आ रहे हैं उसको हम लोग कवर करने वाले। बहुत सारे लोगों ने डाउट्स ये भी पूछा है, सर एक्चुअल में न्यूज़ क्या है वो भी एक बार बता देने, क्योंकि नॉर्मली समझ में आया कि सऊदी अरेमको की डील है वो खतरे में आ चुकी है, दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड ये मसला है, उन्होंने स्टे की बात की है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, एंड इसीलिए ये न्यूज़ को मैं कवर करने के लिए हिंदी आर्टिकल पढ़ने वाला हूँ, तो आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी एंड समझ में भी और भी आसानी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते एंड वहाँ पर डायरेक्टली सबसे पहले हम लोग उस न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं भास्कर.com, जो कि दैनिक भास्कर आप सभी लोगों को पता है बहुत ही फेमस है ई पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यही पे हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ सकते हो रिपोर्ट के हिसाब से, द रिलायंस की अरेमको डील अटक सकती है, 30,000 करोड़ रुपए के भुगतान विवाद में सरकार हाईकोर्ट पहुँची। तो इस हेडलाइन में ही दो न्यूज़ यहाँ पे कवर किए हुए। सबसे पहली जो रिलायंस एंड अरेमको की जो डील है, 42nd AGM जब हुई थी, मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने बहुत बड़ा धमाका किया था, जो कि एक बहुत ही मार्केट को अच्छी लगी थी, एंड नेक्स्ट दिन बाजार 100 पॉइंट से भी ज़्यादा रिलायंस में जंप लगाई थी। तो ये वाली न्यूज़ थी कि अरेमको के साथ उनकी डील होने वाली है, बट वो डील अटक सकती है। फर्स्ट न्यूज़ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये अटक सकती है, अटकी है ऐसा नहीं, मतलब अभी ये मसला शुरू हो चुका है। सो ये कंक्लूजन के ऊपर मत आना, मैटर अभी कोर्ट में, आप सभी लोगों को बताए कोर्ट के लिए टाइम लगता है, एंड यही मैटर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम किसको है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये हाईकोर्ट पूछिए रिलायंस की अरेमको की जो डील है उसी से रिलेटेड, क्यों, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपये भुगतान के विवाद में इसीलिए सरकार हाईकोर्ट पूछी। अभी ये 30,000 क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आराम से आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक चीज़ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं तीन हाईलाइटेड पॉइंट्स ये न्यूज़ से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिलायंस पर सरकार का आरोप, पन्ना मुफ्ती ताप्ती फील्ड में प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है। तो सरकार ने ये सबसे पहला आरोप लगाया रिलायंस के ऊपर कि इनका जो पुराना जो डील है प्रोडक्शन, उससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका रिलायंस ने उल्लंघन किया है, सबसे पहली बात। उसके बाद सेकंड, सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिलायंस के असेट बिक्री पर रोक लगाने की अपील की, एंड जो नेक्स्ट सुनवाई है वो 6 फरवरी की होने वाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेकंड जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सरकार दिल्ली हाईकोर्ट में जा चुकी है, एंड रिलायंस की जो असेट बिक्री करने वाली थी किसको, सऊदी अरेमको को, उसको रोक लगाने की अपील की है, एंड जो नेक्स्ट सुनवाई है वो कब हम लोगों को देखने को मिलनी है, 6 फरवरी तक देखने को मिलने वाली है। तो ये होगा इस सेकेंड न्यूज़, एंड उसी से रिलेटेड हम लोग थर्ड न्यूज़, मतलब उसी का पार्ट है, रिलायंस ने रिफाइनरिंग पेट्रोकेमिकल बिजनेस के 20% मतलब 20% शेयर मतलब 1,00,000 करोड़ रुपए में अरेमको को बेचने की डील है। तो ये डील जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलायंस के हिसाब से, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि रिलायंस का सबसे जो वीक पॉइंट है हम लोग कह सकते हैं वो है उसका कर्जा। आप सभी लोगों को पता है कि रिलायंस में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, बट एक ही उसको पॉइंट जो नीचे खींच के ले आ जाता है वो होता है उसके ऊपर कर्जा, जो उसका डेब्ट जो कि बैलेंस शीट में दिखता है, एंड ये डील बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प कर सकती थी रिलायंस को कि उसका कर्जा बहुत ही मैसिव वे में कम करने के लिए। एंड इसी के रिलेटेड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकार ने आपत्ति जताई है रिलायंस की ये डील से रिलेटेड, एंड वो आपत्ति क्यों जताई है, क्या ये डील गलत है, कोई इसमें इल्लीगल चीज़ है, सरकार को प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो हाईकोर्ट में अपील कर रही है, तो ये बात को समझना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना गहरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं, एंड बाद में मैं एक समरी के फॉर्म में आसान भाषा में आप लोगों को ओवरऑल कंक्लूजन बता दूंगा। तो कोई हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से यहाँ पे पढ़ना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिफाइनरिंग पेट्रोकेमिकल्स कारोबार में 20% हिस्सा बिक्री की योजना बाधित हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रिलायंस और ब्रिटिश गैस से संपत्तियों की जानकारी देने को कहा है। तो उसी के साथ साथ हम लोग और आगे पढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने सितंबर में अर्जी दायर कर दोनों कंपनी को असेट बेचने से रोक लगाने की मांग की थी। अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी, एंड सरकार PTM फील्ड में रिलायंस और ब्रिटिश गैस से उत्पादन साझेदारी विवाद में इन कंपनियों से
4.5 अरब डॉलर, मतलब इंडियन रुपये की बात करें तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आर्बिट्रेशन अवार्ड की रकम पाने के लिए कानूनी लड़ाई ऑलरेडी यहाँ पे लड़ रही है। 1994 में हुआ यह कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो चुका है। सो दोस्तों, ओवरऑल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, प्रॉब्लम यही है कि रिलायंस इंडस्ट्री को सरकार को 30,000 करोड़ का भुगतान करना है। फर्स्ट तो सरकार को प्रॉब्लम यह है कि रिलायंस एंड अरामको की डील अगर हो जाती है तो मैक्सिमम जो रिलायंस के ऊपर जो कर्जा है वो कम हो जाएगा, बट सरकार को यही डर लगता है कि हमारे भुगतान का क्या, ये 30,000 करोड़ आपने हमें भी देने हैं उसका क्या। सऊदी अरामको को 20% अगर ये सोल्ड आउट करते तो आप देख सकते हैं उसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, जो कि हम लोगों ने अभी अभी ऊपर पढ़ लिया था कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करोड़। सो 1 लाख करोड़ तक का डेब्ट उनका कर्जा कम हो जाएगा। तो सरकार को यही टेंशन है कि हमारे पास जो असेट रहेंगे वो क्या करेंगे, मतलब रिलायंस के पास जो असेट रहेंगे वो कहाँ से हम लोगों का पेमेंट करेंगे। तो यही एक सरकार को टेंशन है, एंड इसीलिए वो इस डील को रोकना चाहते हैं, क्योंकि सरकार को ये डर लग रहा है क्योंकि जो अदर डेब्ट है, अदर कर्जा है, वो रिलायंस पे कर देगा एंड हम लोगों को, मतलब सरकार को 30,000 के लिए वापस चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये एक ही प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड ये डील सरकार क्या करनी चाहती है, रोकनी चाहती है। तो शायद से कोर्ट का जो नेक्स्ट, जब हम लोगों को 6 फरवरी पे चीज़ें देखने को मिलेगी, शायद से सरकार ऐसा रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमारा जो भुगतान है वो सबसे पहले यहाँ पे होना चाहिए एंड उसके बाद आप चाहो तो सऊदी अरामको के साथ डील कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो अभी हम लोग मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट देखेंगे रिलायंस के ऊपर जो टोटल कर्जा है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख करोड़ का तक का कर्जा है एंड इसमें से अगर हम लोग बात करें तो 30,000 करोड़ किसका है, वो सरकार का है। 1 लाख करोड़ तक का कर्जा इसमें से कम हो जाएगा अगर अरामको के साथ इनकी डील हो जाती है तो। बट गवर्नमेंट को एक ही आपत्ति है कि 1 लाख का पेमेंट अगर पहला हो जाएगा तो 30,000 हमारे क्या होगा, ये एक ही डाउट है। आप हमारे पहले 30,000 पे कर दो, उसके बाद आप अपनी डील कर लेना। तो शायद से गवर्नमेंट ऐसा भी प्रस्ताव यहाँ पे रख सकती है, बट ओवरऑल ये सारी चीज़ें कोर्ट की है, वो ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा, बट ऐसी पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है। तो चलिए अभी हम लोग वापस आर्टिकल के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो चीज़ें मैंने बोली वही आर्टिकल में लिखी हुई है, रिलायंस की मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त होने की योजना है। क्योंकि 42nd AGM, आप सभी लोगों को पता है, जहाँ पे आप यहाँ पे आगे भी पढ़ सकते हैं, यही पैराग्राफ में वो बताया, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 12 अगस्त को बताया था कि रिफाइनरिंग पेट्रोकेमिकल बिजनेस की 20% हिस्सेदारी 15 अरब डॉलर, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए में सऊदी अरामको को बेची जाएगी। रिलायंस ने 18 महीने में कर्ज मुक्त होने की योजना के तहत यह डील की है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डील का मेन मकसद क्या था, कि उनके कर्ज को कम करना। एंड ये बराबर आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस को ये डील से रिलेटेड जो ये बाधा अभी आ चुकी है हाईकोर्ट में, अभी ये सरकार जा चुकी है, डेफिनेटली यहाँ पे रिलायंस को थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। सो हम लोग और भी आगे यहाँ पे पढ़ लेते और क्या चीज़ें लिखी हुई है। सरकार की ओर से कोर्ट में दलील रखी गई कि रिलायंस इंडस्ट्री पर 2.88 लाख करोड़ रुपये का भारी भरकम कर्जा है, कर चुकाने के लिए कंपनी संपत्तियों की बिक्री और ट्रांसफ़र जैसे रास्ते अपना रही है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रही तो सरकार को आर्बिट्रेशन अवार्ड चुकाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सरकार को रिलायंस की कारोबारी योजना की जानकारी नहीं है। सो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरा है कि ये क्यों हाईकोर्ट में जा चुकी है, क्योंकि सरकार को, जैसे मैंने कहा, कि वो डर लग रहा है कि इस बाकी के ये जो बिक्री और ट्रांसफ़र जैसे रास्ता अपना लिए रिलायंस, इससे सरकार को प्रॉब्लम एक ही है कि बाद में सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा जब वो आर्बिट्रेशन अवार्ड चुकाने की बात आएगी तो। एंड सरकार को ये भी नहीं पता है कि रिलायंस उनको पैसा कैसे देने वाली, जो आखिर में बताए सरकार को रिलायंस की कारोबारी योजना की भी जानकारी यहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसे अलग अलग आपत्तियाँ यहाँ पे सरकार ने बताई है एंड जिससे रिलेटेड वो अभी दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने यहाँ पे याचिका दर्ज की है। सो अगले पैराग्राफ में यही चीज़ बताइए कि ये सरकार से रिलेटेड रिलायंस इंडस्ट्री का क्या मैटर है। सरकार 2010 से आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए लड़ रही है। सरकार के मुताबिक रिलायंस और ब्रिटिश गैस ने प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर काफ़ी रकम अपने पास रख ली। 2016 में ट्रिब्यूनल ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। सरकार ने दोनों पर 3.8 अरब डॉलर बकाए होने का आकलन किया था। ब्याज समेत यह रकम अप्रॉक्सीमेटली 4.5 अरब डॉलर हो चुकी है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया इंडियन रुपीज़ में 30,000 करोड़। रिलायंस और ब्रिटिश गैस से रकम नहीं मिलने की वजह से सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सो यही इंपॉर्टेंट है चीज़ कि ओवरऑल सरकार को एक ही चीज़ से आपत्ति है कि भाई आप हमारे पहले 30,000 करोड़ का बंदोबस्त कर दो
उसके बाद अगर आप चाहो तो वहाँ पे डील कंटिन्यू करना, बट ये चीज़ आप कर रहे हो कि फर्स्ट बाहर से आई हुई डील जो कि अभी अभी बनी है एंड वहाँ पे अगर आप अपने असेट बेच के कर्ज चुका रहे हो तो उससे सरकार को आपत्ति है, क्योंकि उनका जो पहला 30,000 करोड़ का यहाँ पे जो भुगतान है वो पहला हो जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सरकार का मानना है। सो दोस्तों, आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये न्यूज़ समझ में आई होगी, एंड अगर नहीं समझ में आई होगी तो आखिर में समरी के फॉर्म में कुछ शब्द बोलना चाहूँगा, वो बस याद में रखना कि सरकार को रिलायंस एंड एमराको की डील जो हो रही है वो इल्लीगल हो रही है ऐसा नहीं कहना है, उनका बस एक ही मानना है कि हमारा पहला नंबर आना चाहिए जो कि 30,000 करोड़ का भुगतान है, पहला आप हमें दे दो, उसके बाद अगर आपको जिसके साथ डील करनी है वो कर ले लो, क्योंकि सरकार को यही डर लग रहा है कि आप बाहर वालों के साथ डील कर लोगे एंड उसके बाद हम लोग 30,000 करोड़ रुपया मांगने आएंगे तो सर रिलायंस हाथ खड़े कर देगी कि हमारे पास कुछ नहीं है करके। तो सिर्फ सरकार का यही कहना है, हमारा नंबर पहला आना चाहिए, बाद में आपको जो करना है करो, हमारा पहला 30,000 करोड़ रुपया दे दो, एंड इसलिए उन्होंने यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट में वो गए हैं जिससे रिलेटेड यहाँ पे स्टे ऑर्डर अभी हम लोग देख सकते हैं, एंड जो नेक्स्ट सुनवाई है वो कब है, 6 फरवरी को होने वाली है। सो दोस्तों, फिलहाल आप देख सकते हो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, 11 मिनट से भी ज़्यादा समय हो चुका है। सो डेफिनेटली इस शेयर में क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं एक और एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एंड आज ही 8:30 बजे तक रात को अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे, तो उस वीडियो में मैं कम्प्लीटली सारी चीज़ें बता दूंगा कि शॉर्ट टर्म निवेशक अगर रिलायंस में है तो उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या एग्जिट लेना चाहिए या होल्ड रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म निवेशकों ने क्या करना चाहिए, एग्जिट लेना चाहिए या नहीं, एंड इंट्राडे कॉल से रिलेटेड जो बहुत सारे लोग डाउट भी पूछ रहे हैं, मैं इंट्राडे कॉल से रिलेटेड भी आप लोगों को बता दूंगा कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है इंट्राडे से रिलेटेड तो कैसी स्ट्रैटेजी आप लोगों ने अपनानी चाहिए। बट फिलहाल वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा, आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एंड अगर इस चैनल में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके पर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।